हेलो एवरीवन टुडे वी डिस्कस हिस्ट्री ऑफ रोबोटिक्स अगर बात की जाए रोबोटिक्स की हिस्ट्री की तो इन स्टार्टिंग 1954 फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट इज़ डेवलप्ड एंड इट्स नेम इज़ यूनिमेट द फर्स्ट रिप्रोग्रामेबल रोबोट इज डिज़ाइन बाय जॉर्ज डेवल हु क्वाइंस द टर्म यूनिवर्सल ऑटोमेशन एंड द टर्म ऑफ रोबोट इज़ डिफाइंड बाई यूनिमेट मतलब इन्होंने जो रोबोट बनाया था उसे यूनिमेट से डिफाइन किया गया था इट इज मैन्युफैक्चर ऑफ टी टीवी पिक्चर ट्यूब नाउ इन सेकंड 1954 सेकेंड नाइनटीन इन 1978 के प्यूमा कंपनी इज डिजाइन रोबोट विच इज यूज टू डेवलप आई यूनिमेशन अ जनरल मोटर डिजाइन सपोर्ट नाउ 1978 के बाद में इन 1980 द रोबोट इंडस्ट्री एंटर अ फेस ऑफ रैपिड ग्रोथ मैनी इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस प्रोग्राम एंड कोर्स इन रोबोटिक्स रोबोटिक्स कोर्स आर स्प्रीड एकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कम्प्यूटर साइंस डिपार्टमेंट नाइनटीन फिफ्टी फ़ोर एंड नाइनटीन सेवेंटी एट के बाद नाइनटीन एटी सेंचुरी में रोबोटिक्स स्टम में रेपिडली ग्रोथ आना शुरू हुई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट साइट से प्रोग्रामिंग कराने से रिलेट इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस करना शुरू हुए नाउ इन नाइनटीन नाइंटी फाइव इट्स रिप्रेजेंट इमरजिंग एप्लीकेशन इन स्मॉल रोबोटिक्स एंड मोबाइल रोबोट्स ड्राइव अ सेकेंड ग्रोथ ऑफ अ स्टार्ट अप कंपनी एंड रिसर्च एंड इन टू थाउजेंड थ्री नासा मार्स एक्सप्लोरेशन रोबोट्स विल लॉन्स टू वट मार्स इन सर्च ऑफ आंसर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वाटर ऑन मार्स दैट मीन्स हम कह सकते कि ओवरऑल जो रोबोट की हिस्ट्री है वो स्टार्ट हुई थी 1954 से फर्स्ट थी यूनिमेशन रोबोट बनाया गया इन 1978 सेवेंटी एट प्यूमा कंपनी के थ्रू प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन बनाई गई नाउ नाइनटीन में जो हमारे ओवरऑल सेक्शंस थे मैकेनिकल सिविल इंजीन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया और काफ़ी इंस्टीट्यूशंस खोलना शुरू हुए एंड नाइनटीन नाइन्टी फाइव में मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर्म में रोबोट प्रोड्यूस होना शुरू हुए एंड टू थाउजेंड थ्री में ओवरऑल स्पेस से रिलेटेड डेवलपमेंट शुरू हुआ सो दिस इज़ द बेसिक हिस्ट्री ऑफ रोबोट